नमस्कार, मसूबकरण सहायक आचार्य ईएफएम। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर प्रथम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में यूनिट संख्या 4 के अंतर्गत राजस्थान में पर्यटन के चैप्टर में, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में पर्यटन विकास में सरकारी प्रयास के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे कि राजस्थान के अंदर जो भी पर्यटन क्षेत्र हैं उसमें गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रयास किए हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, कौन कौन सी राहत प्रदान की गई हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट में उस पर्यटनों के उद्धार के लिए, उनके उत्थान के लिए जो सरकार ने निरंतर अपने बजट के अंतर्गत जो प्रयास किए हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में बताया कि राजस्थान में पर्यटन उद्योग की क्या क्या भूमिका रही है विदेशों से, और राजस्थान सरकार या राजस्थान के प्रवासी लोगों के द्वारा या विदेशों से जो लोग पर्यटन उद्योगों या पर्यटन के दार्शनिक स्थल को देखने के लिए जो भी सरकार के द्वारा और उनके द्वारा क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही उनके बारे में हमने चर्चा की, और पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं अपने सामने आई उनके बारे में हमने चर्चा की, और उनके कौन कौन से सुझाव हैं जो कि सरकार या व्यक्ति विशेष के द्वारा कौन कौन से सुझाव दिए गए उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। इसी क्रम में हम आज चर्चा करेंगे कि पर्यटन विकास में सरकारी प्रयास ये करते हैं कि जो भी सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना के दौरान या निर्धारित बजट जब गवर्नमेंट का आता है उसमें पर्यटन के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सरकार उनके विकास में एक अहम भूमिका निर्वहन करती है, उन पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास निरंतर गवर्नमेंट कर रही है। उन प्रयासों में निरंतर अभिवृद्धि रही है, सरकार विभिन्न बजट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्यटन उद्योगों या पर्यटन क्षेत्र के विकास में काफ़ी सराहनीय प्रयास रहा है। सरकार पर्यटन के क्षेत्र में जो कि बाहर से विदेशी या स्वदेशी लोग पर्यटन को देखने के लिए आते हैं उनके उत्थान के बारे में या उनके विकास में विभिन्न प्रकार के फंडिंग करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भूमि विकास और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको निरंतर प्रयासरत कर रही है, उनका हम बिंदुवार चर्चा अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है जो कि पर्यटनों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में क्रियान्वित है, जिसमें राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका का ये भी निर्वहन करती है। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम 1978 में इसकी स्थापना की गई। इसका जो मुख्य कार्य है आरटीडीसी की वो इस प्रकार से है, एक तो राज्य के पर्यटन विकास के लिए प्रोजेक्ट व स्कीम बनाना और लागू करना, एक तो ये इसका मुख्य कार्य है। एक पर्यटकों के लिए निवास और भोजन व्यवस्था की आदि व्यवस्था कराना, मोबाइल टूरिस्ट बंगले आदि बनवाना और उनको क्रियान्वयन करके उनको चलाना, परिवहन मनोरंजन माल की खरीद आदि सुविधाओं में मूलभूत रूप से
सहज तरीकाओं का निर्माण करना, पर्यटन के महत्व के स्थानों में रख रखाव और उसका विकास करना, पर्यटन की प्रचार सामग्री उपलब्ध कराना और उनको वितरण करना। इसमें सरकार ने 2012-13 में कुल साधन 83.55 करोड़ रुपये किए गए थे और कर के पश्चात इसमें शुद्ध घाटा 11.50 करोड़ का हुआ था, जबकि 11-12 में 11.64 करोड़ का घाटा हुआ। उसके बाद में प्रबंध संचालन में सुधार करके उनकी कार्यकुशलता और लाभप्रदता में वृद्धि की जानी चाहिए। हालांकि पूर्व के वर्षों में भी थोड़ा लाभ हुआ था, लेकिन स्थिति में स्थायी सुधार करने के लिए बहुत प्रयास भी किए जा रहे हैं। RTDC के धौलपुर में एक नया मिडवे चालू किया गया था जिसमें 42वीं इकाई रही, जिसमें प्रत्येक ज़िले में पर्यटन की सुविधा भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार श्री हेरिटेज होटल्स में से 20 में से 15 होटल अकेले राजस्थान में चल रहे हैं और इनको निरंतर बढ़ाया जा रहा है। आगे भी राजस्थान सरकार ने विभिन्न पर्यटन विकास में अनेक कार्यक्रमों के द्वारा विभिन्न प्रकार से विकास किया है, जिसमें प्रथम राज्य सरकार की नीति में निजी निवेशकों को बढ़ावा देने की गई, जिसमें यह पहले किया जा चुका है कि मार्च 1989 में पर्यटन उद्योग घोषित किया गया। उसके बाद में स्वीकृत विनियोजित पूंजी 15-20% तक सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई, तो ये भी एक है। दूसरा, राज्य में पेइंग गेस्ट योजना 9 शहरों में लागू की गई, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, पुष्कर में 562 परिवारों के माध्यम से 4,000 से अधिक व्यक्तियों को ठहराने की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर किले के संरक्षण हेतु गंदे पानी और सीवरेज विकास की योजनाएं भी प्रारंभ की गई। विश्व में डेचू, सालासर, देवली, पिंडवाड़ा, ब्यावर के पर्यटकों के लिए मिडवे की सुविधाओं का निर्माण करवाने के लिए कार्यक्रम भी रखे गए। राज्य सरकार दरगाह शरीफ, अजमेर, पुष्कर, स्वांगणी विकास में वहद स्तर की योजना पहले से काम कर रही है, जो पूर्व के वर्षों में केला देवी, गोगा मेडी, साला सरजी, रामदेवरा, देशनोक, मेहंदीपुर बालाजी और नागौर की दरगाह में विनियोजित कार्यक्रम के भी प्रस्ताव रखे गए। इस प्रकार पर्यटन की सुविधाओं के लिए राज्य की विमान सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और प्रति सप्ताह उड़ानों की संख्या 9-42 कर दी गई है। राज्य सरकार एयर टैक्सीज के लिए टूरिस्ट सर्किट बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है और इनके लिए राज्य में उपलब्ध हवाई पट्टियों का भी उपयोग किया जाने लगा है। उदयपुर में मोती डूंगरी एवं आमेर के महलों का दृश्य सूर्य को सो प्रारंभ किया जा रहा है, जो राजस्थान में हेरिटेज होटलों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन विकास में निजी क्षेत्र का सहयोग ले रहे हैं, जिसमें राज्य में पर्यटन विकास की एक समीकृत या समग्रीकृत योजना तैयार करके उसकी नीति बना करके तैयार कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। क्यों राजस्थान में पहली बार पर्यटन में एक अंतर्राष्ट्रीय मेला इन्वेस्ट 1995 में भारतीय उद्योग परिसंघ 1-4 दिसंबर 1995 तक जयपुर के बिड़ला सभागार में इनका आयोजन किया जा रहा है। तो इस प्रकार पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने महत्वपूर्ण रूप से और भी विभिन्न देशों में भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें इजराइल, इंग्लैंड, इटली, स्विट्जरलैंड और अन्य विभिन्न भारतीय राज्यों में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कि पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तरीके से। इसके बाद 1988 में प्रारंभ में जयपुर में प्रांत एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा का गठन किया गया है, जिसमें एक विभिन्न पर्यटन संभावनाओं की समस्याओं पर चर्चा की गई। 1 अप्रैल 2011-13 के बीच में राजस्थान में पर्यटन विभाग ने जयपुर में दी गई ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का सफलतापूर्ण भी आयोजन किया गया। तो इस प्रकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुंभलगढ़ जिले के राजसमंद के स्पेशल धवनी रोशनी का शो भी प्रारंभ किया गया और विभिन्न प्रकार सरकार ने महत्वपूर्ण रूप से स्कीम्स का क्रियान्वयन किया गया, जो कि 2010-11 में
ग्रामीण पर्यटन विकास स्कीम्स के तहत भी कार्यक्रम किए गए। एक सरकार ने सरकारी प्रयास की हम बात करें तो राज्य की पर्यटन नीति 2001 का भी गठन किया गया। 24 सितंबर 2001 में राज्य की पर्यटन नीति 2001 राज्य की पर्यटन नीति 2001 14 सितंबर 2001 को इसका क्रियान्वयन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पर्यटन के जन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या उसके माध्यमों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्देश्य से नई पर्यटन नीति 24 सितंबर 2001 में अपनी मंजूरी दी गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की इन्होंने रियायतें भी दी गई, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न माल की बिक्री पर अनुवादित तरीके से बल दिया गया और भी विभिन्न प्रकार की क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया। विभिन्न प्रकार की छूटें दी गई, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि नई होटलों को शहरी सीमा की भूमि को खरीदने के लिए पंजीयन शुल्क 50% तक की इकाई तक भी लिए क्रियान्वयन किया गया। उसके बाद में राजस्थान की नई होटल नीति 2006 घोषित की गई। जून 2006 में राजस्थान की नई होटल नीति 2006 में विभिन्न रूल्स रेगुलेशनों का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जून 2006 में इसका गठन किया गया। जो होटलों की आवास सुविधाएं उसके आधारभूत संरचना के विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई। जयपुर विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतों के अधिकारी जिला कलेक्टर के द्वारा भूमि का चयन का क्रियान्वयन किया गया। विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ होटलों की 3 श्रेणियों में शामिल किया गया, जिसमें बजट फर्स्ट में 1200 वर्ग मीटर तक मिडवे मार्केट होटल का विस्तार किया गया, जिसमें 6000 वर्ग किलोमीटर तक इस प्रकार से इनका क्रियान्वयन किया गया। इसके बाद में 2009-10 में बजट पर्यटन विकास का प्रस्ताव लाया गया, जो राजस्थान पर्यटन अधिनियम के तहत इनका क्रियान्वयन किया गया, जो कि प्रथम वर्ष में जोधपुर के खिंचडेली एवं खिचन के 12 के सौर समन ऐसी परियोजना लागू की गई, तो विभिन्न प्रकार की राजस्थान सरकार के द्वारा क्रियान्वयन किया गया। तो इसी क्रम में आगे 2010-11 के बजट में भी विभिन्न कार्यक्रम किए गए, जिसमें 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया, जिसके पर्यटन विकास के लिए सवाई माधोपुर, अलसीसर, मलसीसर, झुंझुनू और गुड्डा उदयपुर क्षेत्रों में भी काफ़ी 50-50 लाख की लागत के काम भी इसमें करवाए गए। 2011-12 में बजट विकास के भी सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, प्रयास किए गए, जिसमें सिलिशेड वाटर स्पोर्ट्स आदि का क्रियान्वयन किया गया। जंतर मंतर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का भी इसमें कार्य करवाए गए, जिसमें 1.50 जिसमें बालाजी दोसा, सालासर बालाजी, चूरू, केला देवी, करौली में भी क्रियान्वयन तरीके से भूमिका निभाई। इसी क्रम में 2012-13 में भी बजट के पर्यटन में संबंधी विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए, जो कि गुन्नी जिलों में 20 गाँव में इनका विकास किया गया, जो कि 12-13 में बांसवाड़ा के तलवाड़ा, डूंगरपुर, देव, सोमनाथ, प्रतापगढ़, देव, बीकानेर, लाडेरा, सिक्कर, रामगढ़, शेखावटी, भरतपुर के चकोरा, रूपवास का में भी 50-50 लाख रुपए की लागत के इन गांवों के पर्यटन दृष्टि से विकास किया गया। तो इसी क्रम में 2013-14 के पर्यटन विकास के प्रस्ताव में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वहन किया गया, जो 2014-15 में परिवर्तित बजट के पर्यटन विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव क्रियान्वित किए गए। आगे है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015। राजस्थान इकाई नीति पर्यटन 2015 में भी एक महत्वपूर्ण रूप से गठन किया गया, जिसमें भारत में पर्यटन के क्षेत्रों में अग्रणी रूप दिया गया, जिसमें 2007 में इस पर्यटन इकाई नीति की घोषणा की गई, जिसमें विभिन्न स्कीमों को सम्मिलित किया गया, जिसमें पर्यटन इकाई में ग्रामीण क्षेत्रों के हेरिटेज होटलों के विकास करके ग्रामीण पर्यटन में भी वृद्धि की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के रिसोर्ट्स, पर्यटन के रिसोर्ट्स और कैंपिंग स्थल, पशु सवारी मार्ग और रोपे आदि को विभिन्न
रूप से गठन किया गया। तो इसी प्रकार 2015 इकाई नीति में महत्वपूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया गया। 2015-16 के बजट में भी 62.33 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए, जो कि हवाई पट्टी सुधार हेतु 17.88 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया, जिसमें आमेर, नारगढ़, एल्बर्ट, जंतर मंतर, हवा महल और विभिन्न प्रकार के पर्यटनों में 22.60 करोड़ रुपये बजट का क्रियान्वयन किया गया। सवाईमाधोपुर झालावाड़ स्टेट इंश्योरेंस एंड होटल मैनेजमेंट की स्थापना की गई, जिसमें धौलपुर बारा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी स्थापना की गई। ज्वार कला केंद्र जयपुर के संगीत केंद्र बनाया गया। विभिन्न देव स्थानों का भी विकास करवाया गया। तो इसी प्रकार सरकार ने विभिन्न प्रकार की स्कीम्स के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास रहित रहे और सरकार के द्वारा राजस्थान में पर्यटन विकास की भूमिका के रूप से हम बात करें तो सरकार ने एक अहम योगदान रखा कि किस प्रकार से राजस्थान में पर्यटन क्षेत्रों में विकास करना है। तो हम इसी क्रम में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 5 के अंतर्गत औद्योगिक नीति के बारे में, उद्योगों कि क्या क्या समस्याएं हैं, उनको क्या क्या उनके समाधान हैं, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनका किस प्रकार समाधान करें, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।